जय हिंद दोस्तों, टेक्नोलॉजी के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं आज जो भी टेक न्यूज है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत ही जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चल रहा है आपको अगर जानते हैं तो आपको मतलब कोई ऐसे गलती करने से बचेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं भी शेयर करने से, आपको बता दूँ, पहले बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से हर तरह के आपको न्यूज इसमें मिलने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आप कहीं भी नहीं जाएगा। और वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में, जो कि चैट जीपीटी अभी निकल के आ रहा है खबर की चैट जीपीटी आपका सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। अब आपको लग रहा है ऐसे कैसे स्टोर कर लेगा, तो आपको बता रहा हूँ कैसे स्टोर करेगा आपका इन्फॉर्मेशन। मैं बात करने वाला हूँ जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा आप क्या करते हैं, कहीं भी अपना पर्सनल डिटेल शेयर कर देते हैं, फेसबुक पर देखते हैं कहीं किसी का ये नंबर अपना शेयर करिए आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ऐसे तरीके से आप कहीं शेयर करते हैं, कहीं किसी कहीं दूसरे जगह शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें चैट जीपीटी आपका स्टोर कर लेगा। चैट जीपीटी के बारे में जानना है तो इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर चेकआउट करके वहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जो चैट जीपीटी आपका जो डेटा स्टोर कर लेगा वो न कि 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, नहीं, जब तक चैट जीपीटी जब तक मतलब जन्मों जन्म तक वो स्टोर करके रखेगा आपका स्टोर डेटा। अब बात करने वाला हूँ जो कि गीता जीपीटी आ गया है अभी मार्केट में। गीता जीपीटी, अब केवल जीपीटी आ रहा है, लेकिन ये गीता जीपीटी बहुत ही बेहतरीन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब बताने वाला हूँ क्यों अच्छा लगा, क्योंकि आपको भी मैं भी बहुत अच्छा लगेगा। गीता जीपीटी है कि एक ऐसा ही जीपीटी बन गया है, ऐसे एक एआई है जो कि आपका हर एक इन्फॉर्मेशन, आपका हर एक चीज बारे में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं उससे, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है, वो गीता के रेफरेंस से ही मिलेगा। आपको लग रहा है गीता कैसे, आपको वहां पे जो भी कोडिंग किया है ना वो गीता से ही, मतलब डेटा वहां पे स्टोर है, मतलब गीता से रिलेटेड। आ देखिए अभी गीता का, रामायण का, महाभारत का, हमारे वेद का, पुराण का, हमारे देशों में मतलब उसके पर ज्यादा रिसर्च नहीं होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे होता है, लेकिन वो दूसरे कंट्री में इस चीज पे रिसर्च होता है, आखिर ये कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, इस चीज को एक्सप्लेन भी करते हैं, उसको रिसर्च भी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट भी करते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं, तो उससे उन लोगों को बहुत फायदा होता है। फिर हम लोग उसे कॉपी करते हैं, हमारे इस चीज का वो लोग यूज करते हैं, फिर उसी का फिर हम लोग कॉपी करते हैं, ना कि हम अपना कॉपी करके अपना ही क्यों नहीं बनाते हैं। ये चीजें बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको पता नहीं कैसा लगा हुआ, अपना कमेंट राय जरूर रखिएगा। देखिए अब इसमें मैं गीता जीपीटी बताता हूँ कि ये गूगल के एक इंजीनियर हैं, उनके द्वारा ये गीता जीपीटी बनाया गया है, और इसमें जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन करेंगे, आपको जो आंसर मिलेगा आपको गीता जीपीटी, जो कि गीता के रेफरेंस से आपको इसमें आंसर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको कैसा लगा अपना कमेंट राय में जरूर रखिए। अभी यूपी वाले के लिए बहुत ही बेहतरीन ये न्यूज है, क्योंकि ये देखिए यूपी में पूरे जिले में 5G दिसंबर 2023 तक मतलब लॉन्च हो जाएगा, हर जगह 5G, गांव-गांव में जो भी जिले हैं यूपी में, जितने जिले हैं वहां पे 5G अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी में बहुत सारे ऐसे निवेश भी हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब एडवांस होता जा रहा है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में, हर फील्ड में, रोजगार में भी बहुत मतलब फेमस होता जा रहा है, तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में अभी बात कर दूंगा, जियो 5G पूरे जिले में इस्तेमाल कर सकते हैं दिसंबर 2023 तक। गूगल बार्ड AI, अब जो नेक्स्ट बात करते हैं गूगल बार्ड AI, जो कि अभी जो खबर आया है कि चैट जीपीटी को आगे पछाड़ नहीं पाया। अब देखिए आपको लग रहा है गूगल के पास इतना डेटा है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर देखिए बहुत कुछ होने से नहीं होता, लेकिन उसके पास जो इन्फॉर्मेशन, उन्होंने क्या किया, गूगल जो बार्ड AI बना था, इन्होंने क्या किया था कि मतलब उसमें जो रिजल्ट दिया था वो गलत दिए थे, इसकी वजह से बहुत सारे मतलब अरबों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया गूगल का। अब चैट जीपीटी यहाँ पे आगे निकल गया, उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत दे दिया है, उन्होंने अपने ऐड में जो भी उन्होंने किया था उसमें इन्होंने एक गलत रिजल्ट देने के कारण चैट जीपीटी अब थोड़ा ट्रेंडिंग हो गया, जिससे शेयर गूगल डाउन हो गया थोड़ा। देखिए कहीं भी ये चीज़ें एक एक स्टेप पे अपने क्या रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस पर बहुत डिपेंड करता है, तो वैसे ही अभी चैट जीपीटी बहुत आगे चल रहा है, गूगल बार्ड AI को पीछे छोड़ दिया है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट राय में जरूर रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहना, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।